मीडियम आपने डाटा हैंडलिंग में भी सिखाया था, यस। मीडियम एक्सप्लोर। सो व्हाट इज मीडियन अकॉर्डिंग टू यू एंड मीडियम एल्टीट्यूड? मतलब जो एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ओके, बट एक ट्रायंगल में, यस ठीक है, मीडियन एक यस ऐसी लाइन होती है। चलो मैं एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल बनाता हूँ, जानबूझ के ऐसा बना रहा हूँ मैं, या थोड़ा दूसरा बनाता हूँ मैं। ओके, तो मैं इसके अंदर मीडियन भी बनाऊंगा और एल्टीट्यूड भी बनाऊंगा, जो उससे दोनों चीजों का समझ में शायद आ जाए। मीडियम तो वो होता है कि जो नीचे जैसे ही बेस है सी में, हाँ, तो उसको डिवाइड कर देगा, वो बीच में उसके इक्वल है, ये बीच का ही है सी वाला पॉइंट। और साथ में एल्टीट्यूड होता है जो मतलब सही पर भी लाइन हो, बट वो बीच में नहीं है, बीच में नहीं है नीचे, वरना वो मीडियम होगा। ऐसा नहीं होता। डेफिनेशन मीडियन, बिल्कुल सही बोला, ये इसको हाफ में डिवाइड करता है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम कहाँ पे सुनते हैं वर्ड? एल्टीट्यूड ये वे डू वी हेयर दिस एसएससी टर्म? में, कहाँ पे एसएससी बताओ, एसएसटी में कहाँ पे? एसएससी में प्लैनेट के बारे में ज्यादा तो जब भी हम एक माउंटेन की बात करते हैं, हम बोलते नहीं है दिस एल्टी, अगर आप यहाँ एल्टीट्यूड। पे खड़े होते हो तो बोलते ना, आई एम एट 6,000 मीटर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ फिर? एल्टीट्यूड होगा एकदम स्ट्रेट लाइन जहां पर आप खड़े हो वहां से, मतलब ए वर्टेक्स से एकदम स्ट्रेट लाइन जो आ रही है बेस वेरी गुड, पर। स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, बट एल्टीट्यूड का मतलब हुआ हाइट, ठीक है? जब आपको अपनी हाइट नापनी होती है, आप बैठ के नहीं नापते, ठीक है? यू हैव टू बी स्ट्रेट। इज इट मेकिंग सेंस? यस सो एल्टीट्यूड का मतलब होता है एकदम 90 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू द बेस। ओके, तो हमेशा एल्टीट्यूड जो होता है ना, वो हमेशा सी लेवल से नापा जाता है। इन रियल वर्ल्ड एल्टीट्यूड हमेशा सी लेवल से नापा जाता है। जैसे जब हम बोलते हैं ना कि माउंटेन की एल्टीट्यूड जो है वो 6,000 मीटर है, तो हमेशा आप सुनोगे 6,000 मीटर अबव सी लेवल, यस अबाउट सी लेवल, वो सी लेवल के ऊपर जो ठीक है सी ना? लेवल है वो 0 पर। हाँ, सी लेवल हमेशा जीरो माना जाता है, हम उसके परपेंडिकुलर मानते हैं अपने एल्टीट्यूड को, ठीक है? तो उसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी अगर मैं यहां से एकदम 90 डिग्री पे चीज लेकर आऊं, मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ये यस तो वाली क्या जो लाइन होगी वो हो जाएगी, वो मेरी एल्टीट्यूड हो जाएगी, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो? क्या ऐसा हो सकता है? नो नो। बड़ी जल्दी नो बिकॉज बोल देते हो, बिना सोचे समझे नो। एक ट्रायंगल लेते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका ये एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगा। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं तो क्या होगा? जो मीडियन होगी और जो एल्टीट्यूड होगी वो एक ही जगह पे पहुंचेगी। सीधी, मतलब एक और चीज में डाउट है, जैसे अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हमेशा जो मीडियन मतलब एल्टीट्यूड होता है वो बाहर की साइड होता है ना, राइट एक्सटीरियर। एंगल ट्रायंगल में नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होता है। देखो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक सेकेंड, या मैं इसको थोड़ा ठीक ढंग से बनाता हूँ तब समझ में आएगा। ओके, ये मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं मीडियन बनाना है इस पॉइंट से,
मीडियम तो हमेशा ऐसे मिड पॉइंट होगा, ओके। मीडियम तो बहुत ही आसान हो गया, बट एल्टीट्यूड मैंने बोला हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। यहां से मेरे को अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हाँ एक्सटीरियर में चले तो जाएंगे, वो एक्सटीरियर में हो जाएगा, ठीक है। बट राइट एंगल में तो वो जहाँ उसकी लाइन है उसी पर ही वो होगा, क्योंकि राइट एंगल खुद ही राइट एंगल। हेलो, हेलो, यस, मैं हाँ क्योंकि वो खुद ही राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में वो राइट एंगल है और उसको भी राइट एंगल चाहिए होता है, इसलिए वो बाहर एक्सटीरियर में नहीं जाएगा, हाँ राइट एंगल में और राइट उसी ये साइड खुद में ही आ ही जाएगा। एल्टीट्यूड यस होता है, यस क्योंकि ये खुद ही एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। उसको राइट एंगल चाहिए होता है और वो हाँ ठीक है, तो ये वाली फिगर आप एक बार बना लो, फिर हम इसको और आगे डिटेल में रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एल्टीट्यूड और मीडियम को और ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। कॉपी दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ट्रायंगल में हाउ मेनी मीडियंस यू कैन गेट। इन ट्राइंगल 3, बिकॉज 3 साइड होते तो 3 3 वर्टेक्स भी 3 होते, यस, एक ठीक है। कैन यू सी मिड बी पॉइंट, से, बी से और सी ए का। ठीक है। तो वन मोर इंफॉर्मेशन, इन अ ट्राइंगल वी कैन हैव थ्री मीडियंस। ओके, एंड सिमिलरली थ्री एल्टीट्यूड्स। बिकॉज 3 मीडियंस है तो 3 एल्टीट्यूड, ओके नाउ, राइट एंगल पे अलग हो जाता है ना, मतलब अगर इक्विलैटरल है तो ही काम आएगा ना, 3 मीडियंस, 3 मीडियंस तो देखते सब में होगा देखते एल्टीट्यूड। देखते। अब यहां पे जो मीडियंस मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पता है? इसको सेंट्रोइड वेरी गुड, मैम ने एक बार नोट किया था उसमें, वेरी गुड। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रोइड सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या हो गई? पॉइंट व्हिच लाइज बिटवीन द ट्रायंगल वेयर द मीडियन लाइज। मीट, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल थ्री मीडियंस मीट, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ड्रॉ अ ट्रायंगल एक्स वाई जी एंड वाई एम इज अ मीडियम, वाई एम, एम तो उसमें है ही नहीं। अच्छा हाँ, तो एम वाई एम इज अ मीडियम, एम तो उसके बीच को फिर ड्रॉ करते हैं। ट्राई कैसा होगा इसका फिगर। एक्स वाई जी, जब मैंने कोई टाइप का ट्राइंगल नहीं बोला था, मैं एक रैंडम एक टाइप का ट्राइंगल दे दूंगा, ओके। सो एक्स वाई जेड एंड वाई एम इज अ मीडियम, वाई के साथ एम यहाँ पर, यस मैंने यहाँ पर एम डाल दिया। ओके। सो किसी का फिगर ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर एक्स यहाँ ले, वाई ऊपर ले और जेड ऊपर, जेड यहाँ, तो उसका फिगर ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ओके। यस बट एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये मार्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मीडियन डिवाइड्स अ बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यहाँ मीडियन पर मैंने एक बोर्ड बनाया था।
divides the base in two equal parts. तो इससे मुझे समझ में आता है XM equals to MZ. तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम तो है इंपॉर्टेंट, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दिस थिंग क्लियर? यस. ओके, तो बिकॉज इन हायर क्लासेस दे विल टेल यू वाई एम इज अ मीडियन. अब व्हाट 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 शुड आई डू विद दैट? मीडियन है तो है, अब क्या करें? सो मीडियन है तो इसका मतलब बेस को इक्वली डिवाइड करा गया है, इसका मतलब वो दोनों इक्वल है. वी हैव टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन मे बी कॉन्ग्रेंसी और ट्राइंगल में हम यूज करेंगे, या फिर लाइंस एंड एंगल में यूज करेंगे, कहीं पर भी यूज करेंगे, बट वी विल यूज दैट इन्फॉर्मेशन. ओके, यस, क्विकली कॉपी, देन विल मूव अहेड. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ ऑब्जर्विंग. You can see they have drawn medians, okay, and the point where it is meeting is centroid. Can you see that? Centroid. Yes, sir. So if I move this triangle, can you see it is still? If you want to try, you can try with right angle triangle. If you want to try, you can make an obtuse angle triangle. But centroid is same. Can you see that? Yes. Centroid is in the middle. Yes. Every time, whatever way I do. Now let me take you through another thing where all the altitudes meet. Okay. So this point, sorry, let me take another color. Yeah. This point is known as orthocenter. Yes. Okay, this is the spelling for orthocenter. Orthocenter is a point, okay, where all three altitudes meet. You can write this definition. Orthocenter is a point where all three altitudes meet. Okay, quickly copy this thing. Now if I just move little bit and just observe right now, what kind of triangle is this? This is really. Yeah, what kind of triangle is this? Can you see that it is an acute angle triangle? Acute angle, yes. The orthocenter is in the middle. Let me just try to make a perfect acute angle triangle. Now a quick try to make a right angle triangle. What you were saying? Yes, when the point is where is the orthocenter? Can you see? On the on the vertex. On the vertex B. Here is the orthocenter. Can you see that? Yes. So you were saying there will be no orthocenter, but there is an orthocenter. From this point, this is the vertex. From this point, this is the altitude. And from this point, this is the altitude which is meeting here. Okay. Yes. Now let us make a obtuse angle triangle. Can you see that what is happening? Yes, there is no orthocenter. Sorry, orthocenter is outside the triangle. See, yes,
सी दैट देयर इज यस बट द एंगल इज नॉट मीटिंग सॉरी बट द एंगल इज नॉट मीटिंग देयर इट इज मीटिंग सी lines are meeting angle do not meet and lines meet can you see that from here yes altitude is coming here from here altitude is coming here from here the altitude is coming here yes okay yes so this is the point so I will share the link with you you can play around and see you can even click on this thing to observe the sides okay yes. You see, like you can play around with it you might like this thing. Can you see how it is going out yes. It's really nice animation really nice app Sorry, website. So anyway, I hope you understood what is ortho center. Yes. So we'll yes. talk more about this thing in upcoming classes. For now, this is enough. So on the basis of the discussion, so abhi hum kya tha? PM kya hai is triangle mein? PM is median. PM is median. Sorry, altitude. Altitude. Sorry. Altitude. What is PD? PD is median. Median. But if they don't give you this information, na, that D is a midpoint, so I cannot say it is a median. They have given this. अगर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो I don't know. There is no specific. फिर बोलते हैं PD is अगर ये ट्रायंगल ऐसा दे दें और मुझे एक लाइन दे दें और वो कुछ ना बोले इसके बारे में कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है सो आई कैन नॉट से एनीथिंग सो आई डोंट नो ओके उनको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं अगर ये दोनों साइड्स दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो मीडियन है Okay, if it is given, then only it is median. Okay, so QM equals to MR. QM equals to MR. No, because altitude दो में divide नहीं करते मतलब इसमें equal. Not necessary. ऐसा रट्टा मत मारो. Not necessary. Yes, because उसमें equilateral triangle में हम कर सकते हैं. और isosceles में भी कर सकते हैं. Isosceles में भी Okay. Draw a rough sketch of triangle ABC and BE is a median. So I guess both your son. Yes, वही वाला. A, B, C and BE. और AC के बीच में. Okay, वो वाला. Make sure ये बना दो. ये mark करना बहुत important है. Okay. अगर नहीं करा है तो कर लो. So this is first part. PQR, PQ and PR are altitude of the triangle. But फिर मैंने ये वाला गलत कर दिया मैंने क्या करा ना मैंने B मैंने AC के बीच में E डाल दिया. Sorry, sorry, sorry. मेरी गलती है मेरी गलती है. ये B होगा. Okay. This should be B. This should be A. Okay. Or you can change the diagram also. It's okay. Okay. Yes. Now, in a triangle, PQ and PR are altitude. That means उस triangle में खुद दोनों sides जो हैं वो altitude हैं. वो एक लौता figure है जो कि है right angle triangle. Right angle. PQ and PR are altitude. That means P is common. PQ. Yes. PR. So ये दोनों altitude हो गए. तो ये इसका. Okay. मैंने Okay. Okay. X, Y, Z. XL is an altitude in the exterior, and we know that both सिर्फ और सिर्फ obtuse angle triangle में हो सकता है.
है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, और वाई एल एल्टीट्यूड है तो वाई यहाँ पे ले लेते हैं, और एल जो है वो बाहर आएगी तो हम उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एल, सो ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ओके आई थिंक करेक्शन हो जाएगी। यस, अब मेरे को एक डाउट है दैट अगर जैसे अब मैं वो कैसे बताऊं, जैसे अगर ये ऐसा डायग्राम, ये जैसे ये वाला नहीं बना पी क्यू आर पी क्यू आर वाला डायग्राम बना, अगर ये फिर ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज है ना पी वाला, पी एंगल ऑब्ट्यूज नहीं है। देखो पी एंगल ऑब्ट्यूज हो भी सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो, बट अगर ये थोड़ा सा खींच दे जैसे मेरा डायग्राम है थोड़ा सा खींचा हुआ है, सॉरी हाँ मेरे डायग्राम में मैंने थोड़ा सा खींच दिया था इसलिए वो फिर ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, द पॉइंट इज तीन एल्टीट्यूड बनती हैं एक ट्रायंगल में, ठीक है, तो मैं अगर यहां से बनाता तो शायद वो बाहर बनेगी, ओके यहां से बनाता तो शायद बाहर बनती, तो हो सकता है, सो आई रियली डोंट नो, बट अगर वो आपसे बोलता है बनाने के लिए, इफ द क्वेश्चन आस्क यू टू ड्रॉ, तो आप क्लियरली ये बनाओ ना, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस, ओके इज इट फाइन, यस ओके, ड्रॉ अ डायग्राम विद मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये मैंने आपको बता देता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होंगे, यस मैंने और मैंने साइड में वो भी करा, साइड में वो जो दो दो लगाए थे, हाँ ये बना दिए ना, ओके अरे मैंने गलत लगा दिया, मैंने यहाँ पर भी लगा दिया था, यहाँ पर भी, हाँ मैंने यही, मैंने यहाँ ही लगाया है, वहां नहीं लगाया, तो एक ऐसे करेंगे स्ट्रेट बनाता हूँ, ये और ये इक्वल, तो ए बी सी ये डी, इसमें दो दो लगाएंगे, हाँ इसमें दो दो बनाएंगे बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, मैंने उसमें दो दो लगा दिए, हाँ वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें दो दो बना दो, इसमें एक एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर नंबर थ्री हो गया, आई गेस इतना काफी है, नेक्स्ट इसके मैं होमवर्क दे देता हूँ, 6.4 में आपको करना क्या है।